दोस्तों, जहां इन दिनों बॉक्स ऑफिस पर साहो का जलवा छाया, तो वहीं वॉन ने भी बॉक्स ऑफिस पर फैंस का खूब जोश बढ़ाया और अब दोनों ही फिल्म के सुपरस्टार एक साथ पर्दे पर आग लगाने आ रहे हैं। अब बाहुबली प्रभास और इंडियन सुपर हीरो क्रिश यानी कि ऋतिक दोनों एक साथ एक फिल्म में नजर आने वाले हैं। तो कौन सी वह फिल्म होगी, फिल्म की कहानी क्या होगी और फिल्म स्टार कास्ट कौन से होंगे, आज की हमारी इस वीडियो में हम आपके लिए इसी बात की जानकारी लाए हैं। अगर आप भी इन दोनों की इस धमाकेदार फिल्म के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहें और साथ ही इस दमदार एक्ट्रेस के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक करना ना भूलें। बाहुबली के निर्देशक SS राजमौली की मल्टी स्टार फिल्म RRR की नई रिलीजिंग डेट की ऑफिशियली घोषणा हो चुकी है। यह फिल्म 8 जनवरी 2021 को सिनेमाघरों में दस्तक देगी। राजमौली की इस फिल्म का बजट 400 करोड़ रुपए बताया जा रहा है। फिल्म में जूनियर NTR और रामचरण मुख्य भूमिका निभाएंगे। वहीं अजय देवगन और आलिया भट्ट भी इस फिल्म में खास रोल में नजर आएंगे। लेकिन इसी के बीच SS राजमौली अपने न्यू प्रोजेक्ट को लेकर आ रही हैं। यह अपनी नई फिल्म को लेकर आ रही हैं और वह फिल्म होगी रामायण। जी हाँ, वही रामायण जिसे अब तक ना जाने कितने बार बनाया जा चुका है। फिलहाल फिल्म के कॉन्सेप्ट पर काम किया जा रहा है। इस फिल्म से जुड़ी कई खबरें सामने आ रही हैं, खासतौर पर फिल्म की कास्ट को लेकर। रिपोर्ट के मुताबिक इस फिल्म में रावण के किरदार के लिए साउथ के एक्टर प्रभास को अप्रोच किया गया है। साल 2019 में प्रभास की साहो फिल्म रिलीज हुई थी जो लोगों को कुछ खास पसंद नहीं है, जिसके बाद प्रभास अपनी नेक्स्ट फिल्म को बहुत ही बारीकी से चुनना चाहते हैं। इसी से जुड़ी खबरें आ रही हैं कि प्रभास की बाहुबली की छवि को देखते हुए उन्हें रामायण में रावण का किरदार ऑफर किया गया है। और जब रामायण बनाई जा रही है तो राम और सीता के बिना तो रामायण अधूरी है। इसी के लिए राम और सीता के किरदार के लिए दो बड़े स्टार्स को अप्रोच किया गया है और वे कोई और नहीं बल्कि ऋतिक रोशन और दीपिका पादुकोण होंगे। जब SS राजमौली से पूछा गया कि इस फिल्म का बजट कितना होगा तो उन्होंने कहा कि ये एक मेगा बजट की फिल्म होने वाली है, यानी कि इस फिल्म का बजट लगभग 600 करोड़ रुपए है। इस फिल्म को हिंदी के अलावा तमिल और तेलुगु भाषा में भी रिलीज किया जाएगा। अगर प्रभास और ऋतिक दोनों ही इस फिल्म के लिए हाँ कर देते हैं तो दो बड़े सुपरस्टार को इस फिल्म में एक साथ पहली बार देखा जाएगा। वहीं अगर बात की जाए फिल्म की कहानी को लेकर तो इस बार इस फिल्म की कहानी का केंद्र राम और सीता नहीं बल्कि रावण होने वाला है। जी हाँ, रावण के पॉइंट ऑफ व्यू से इस फिल्म को बनाया जाने वाला है, पर अभी तक इस फिल्म की रिलीजिंग डेट का कोई कंफर्मेशन नहीं मिला है। अब देखना ये रहेगा कि रावण के पॉइंट ऑफ व्यू से ये फिल्म कैसी रहती है। क्या यह फिल्म वह कमाल दिखा पाएगी जो SS राजमौली सोच रहे हैं। तो दोस्तों, आप इस फिल्म में प्रभास और ऋतिक के अलावा किसको देखना चाहेंगे, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही बॉलीवुड इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी खबरों को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।